सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त रिंग समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी है। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि रिंग समोसा बनाने के लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। वो इन्ग्रीडियंट्स ये है कि हमने हाफ के जी जो है वो आलू लेकर बॉइल करके मैश कर लिए हैं। इसके साथ हमने एक प्याज दरमियानी साइज की बारीक चॉप कर ली है, चार हरी मिर्चें ली हैं जिसको भी हम बारीक बारीक कट करके शामिल करेंगे। इसके साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने डो ली है। डो बनाने का तरीका मैं आपको भी दिखाती हूं। चलिए हम क्विक रिव्यू में देखते हैं कि डो किस तरह बनाते हैं। चलिए जी, अब देखते हैं कि क्या करना है और इसको किस तरह बनाएंगे। ये मैंने 3 कप जो है वो मैदा ले लिए, ये ऑलमोस्ट आधा किलो के करीब जो हमारे पास मैदा है। नमक आधा चम्मच आपने हसबे ज़रूरत, ज़ीरा आधा चम्मच और अजवाइन जो है वो आधा चम्मच। आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने हाफ प्याले के करीब जो है वो घी लिया है, और ये स्क्रीन पर आप एक खाली बर्तन देख रहे हैं। अब आपने करना क्या है, इस मैदे में इस जो नमक को है वो शामिल कर देना आपने इस तरह, और इसको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अब नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया। इसको हम करते हैं साइड पर। बर्तन में लेंगे जीरा, अजवाइन और ये घी। चलिए अब मैं इसको चूल्हे पर गर्म कर लेती हूँ। ये देखिए, अब हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया। ये देखें जी, अब ये पक गया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करने लगे। ये गिलास हमने जो है वो पानी शामिल कर दिया। मैंने इसको पानी शामिल कर दिया। जैसे ये हल्का सा नीम गर्म होगा हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये गर्म हो चुका है, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ, और 1 मिनट के बाद हम अपना आटा इस पानी से तैयार करेंगे। ये देखें जी, अब ये हमारा पानी जो है वो ठंडा हो चुका है, नीम गर्म सा। अब मैंने इसके साथ समोसों की जो डो है वो रेडी करनी है, या कचौड़ियों की। आटे में मैं नमक पहले ही डालकर इसको मिक्स कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। आपने इसको ना बहुत ज्यादा सख्त रखना है ना बहुत ज्यादा नरम रखना है, एक नॉर्मल सी आपने इसकी डो रेडी करनी है। ये देखें वैसे हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब आप ये साइड पर देख सकते हैं कि मैंने एक साफ न्यू जो है वो शॉपिंग बैग लिया है। इसके अंदर हम इस पूरी डो को जो है वो डालेंगे। इसके अंदर शॉपर के अंदर इस डो को डालना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इससे आटा सॉफ्ट रहेगा, इसके ऊपर जो क्रैक्स बन जाते हैं और ब्राउन ब्राउन आटे के ऊपर वो सिक्कर्स आ जाता है वो भी नहीं आएगा, और क्रैक भी नहीं बनेंगे। इस तरह से मैंने ये नॉड लगाकर आधे से पौने घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और फिर आधे से पौने घंटे बाद हम इसके पेड़े बनाकर बेलेंगे। इसके अलावा हम लेंगे मैदा 1 खाने का चम्मच। इसकी हमने स्लरी या लई बनानी है, जिससे हम समोसों को जोड़ेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच, सूख मिर्च 2 टेबलस्पून, नमक हसबे जायका 1/2 टेबलस्पून, पीसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच, अनारदाना 1/2 चम्मच। चलिए अब हम इन तमाम चीजों को जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इन हरी मिर्चों को जो है वो बारीक बारीक कट कर लूंगी। आप 2-3 जितनी डालना चाहें वो डालिएगा।
अब मैंने ये सारी हरी मिर्चें जो है वो अच्छे से कट कर ली हैं। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, प्याज के बाद सारे मसाले, पीसा हुआ सूखा धनिया, गरम मसाला, अनारदाना, सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो मैदा बचा है इसकी हमने स्लरी बनानी है। अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, इससे पहले हम फिलिंग्स को मिक्स कर लेते हैं। अब मैं सारे मसालों को इन आलुओं में अच्छे से जो है वो मिक्स कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब चलते हैं हम डो की जानिब। अच्छा जी, ये व्यूअर्स हमारी जो डो है वो रेडी हो गई है। डो के आपने इस तरह से जो है वो पेड़े बना लेने। पेड़ों का जो साइज है वो आपने अपनी मर्जी से बड़ा या छोटा कर लेना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आटा जो है वो डस्ट करूंगी। चलिए जी, अब मैंने सारे अपने पेड़े बना लिए हैं। पेड़े को बनाने के बाद अब हम इसको बेलेंगे। साथ में ये देखें, मैंने उसी मैदे में बचे हुए में थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी एक लई बना ली है मैदे की मदद से, जो इसको जोड़ेगा। थोड़ा सा हम इसमें और डाल लेते हैं ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी गाढ़ी बने। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो स्लरी है वो रेडी हो गई। हमने इसको इतना गाढ़ा रखना है जितने भी हमारे समोसे हैं वो आपस में चिपक जाएं अच्छे से। चलिए अब हम रोटी को बेल लेते हैं। हमने एक पेड़े को अच्छे से बेल लिया। बेलने के बाद हम क्या करेंगे, ये आलू वाली फिलिंग लेंगे। इसको एक लंबा कबाब की सूरत में जो है हम यहां पर रखेंगे, जिस तरह हमारा कबाब होता है। इसको फिलिंग को कर देंगे साइड पे। दो को अच्छे से आपने बारीक कर लेना, बहुत पतला भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना। फिलिंग रखने के बाद हम इसको ऐसे अच्छे से जो है वो कवर कर देंगे। अभी अच्छे से कवर हो गया, अब हम इसको कुछ कट्स लगाएंगे। इस तरह से आपने इसको सारे कट्स लगा लेने और उसके बाद आपने इसको रोल करते जाना है। इस तरह से आपने इसको बैक पुश जो है वो करते जाना है। यहां पर मैं आपको रख के दिखाती हूं ताकि इजीली आपको समझ। पुश, लिटिल पुश, हल्का सा करना है आपने और फिर इस एज को अगेन वापस, और ये इस तरह से जो है आपके कट्स जो है वो नजर आने चाहिए। ये अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से इसके साथ जोड़कर इसको यूं सर्कल में जो है हमने घुमा देना है। वैसे आपकी डो इतनी अच्छे से बनती है कि जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मेरी डो बहुत अच्छे से बनी है। इसके बावजूद जो है ये मैं यहाँ पे जो लई बनाई है मैदे की वो इसको अच्छे से लगाकर इसके ये जो एजेस हैं हम इनको आपस में जोड़ देंगे और इस तरह से यहां से जो आपके रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरह से जो है मैं अपने सारे रिंग्स को रेडी कर लूंगी और हम इनको फ्राई करेंगे। चलिए अब बाकी के रिंग्स रेडी करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे पोटैटो रिंग समोसास जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो ये मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पीस बचा था तो मैंने इनको ये शेप दे दिया। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया। हमारा जो तेल है वो परफेक्टली गर्म हो चुका है।
हमने इसे लो टू मीडियम जो है वो पकाना है ताकि दोनों तरफ से इसके ऊपर अच्छे से कलर आ जाए, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म होगा तो जो हमारे समोसे हैं वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से जो मैदा है इसका वो कच्चा सा रह जाएगा। अब हम इसके अंदर जो अपना रिंग समोसा है वो ऐड करेंगे। इसको आपने अच्छे से जो है वो इस तरह ऑयल के अंदर करते जाना है ताकि ये ऊपर नीचे अच्छा सा इक्वली जो इसके ऊपर कलर आ जाए और ये फूल जाए। चलिए अब हम इसकी साइड चेंज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके साथ ही अपना दूसरा जो है वो भी ऐड कर दूंगी। चलिए अब हमारा ये वाला जो रिंग है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर और इसकी कर देते हैं साइड चेंज। माशाल्लाह, ये देखें व्यूअर्स, हमारे पोटैटो रिंग समोसास जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आया है, गोल्डन कलर का, और आप रिंग्स के साथ साथ इनके ऊपर एक एक चीज जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है और डिजाइन जो इसका है बहुत ही खूबसूरत है। इसको जो है हमने केचप के साथ सर्व किया है, आप इसको रायते की चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताना है कि आपको हमारी ये डिश कैसे लगी। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।